घर के बच्चों सदस्यों को मनगढ़ंत कहानी में उलझाकर चोरी करने की करीब एक दर्जन वारदातों को अंजाम देने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। इस अभियोग में उप निरीक्षक गुणपाल प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 40 गुरुग्राम की टीम ने अपने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी करने वाले आरोपी को फरीदाबाद रोड गांव घाटा से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान लखविंद्र उर्फ शिवा उर्फ सोनू के रूप में हुई। आरोपी ने इस प्रकार की कुल 11 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है। आरोपी को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा व बरामदगी की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर बताइए। सर पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके घर से सामान लूटता था, क्या है सर पूरा मामला? ये 1/6/2022 को एक औरत ने हमारे सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी, जिसके आधार पे FIR दर्ज की गई, जिसमें उसने बताया था कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करती है और वो जब नौकरी से वापस आई 30/5 को, तो वहाँ पे उसके दोनों बच्चे रोते हुए मिले और उन्होंने बताया कि आपको तो पुलिस ने पकड़ लिया था तो आप कैसे आए। तो उन्होंने पूछा आप रो क्यों रहे हो बच्चों से, तो उन्होंने बताया एक शख्स यहाँ पे आया था, उसने बताया कि आपकी मम्मी को पुलिस ने पकड़ लिया और यहाँ आपके घर पे एक पीली पर्ची रखी हुई है, वो मंगवाई है ताकि वो दे के और उनको पुलिस से छुटवाया जा सके, जिसके उसको ढूंढने बच्चों को उसको पर्ची को ढूंढने में लगा दिया और वो घर का सारा जो भी कीमती सामान था वो वहाँ से लेके, पैसे और जो जेवरात थे उनको लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तो जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुणपाल के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए इसमें जो शामिल शख्स था जिसकी पहचान लखविंदर उर्फ शिवा उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो लुधियाना का रहने वाला है, उसको घाटा गांव से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जिसने बतलाया कि मैं पिछले काफ़ी समय से इस काम में संलिप्त हूँ और गुड़गांव में भी वो लगभग 11 वारदातों को अंजाम दे चुका है और इसके अलावा दिल्ली में भी वो इस तरह की वारदात कर चुका है, कई बार दिल्ली जेल में भी वो जा चुका है, वो टाइम टू टाइम जेल में जाके बाहर आता रहता है। तो ये एक स्कूटी पे आता था और इसी तरह से लोगों को जो घर में होते थे उनको बेवकूफ़ बना के, किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को और बहाने बना के इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था पिछले टाइम से। तो इसको हमने गिरफ्तार करके इसे पूछताछ की जा रही है, आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इसका पुलिस रिमांड हासिल करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किससे इंस्पायर था, क्या कुछ घटना थी जिससे इंस्पायर होकर इस तरह की ये कहानियां बनाने लगा? इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली कि ये किसी चीज़ से किसी दूसरे व्यक्ति से इंस्पायर था, ये इसके खुद के दिमाग की खोज थी और ये पंजाब का, बेसिकली पंजाब का लुधियाना का रहने वाला है।